दूसरी बात यह है कि सूबों में कौन सूबा मानेगा कि तुम जो एमएनए वहां बैठे हुए हो तुम अपने अख्तियार किसी सूबाई असेंबली को भी नहीं देना चाहते, हालांकि तुम्हारे कोई अख्तियार नहीं है, तुम पार्लियामेंटेरियन हो, लॉ मेकर हो, कानून साज अदारे के अदारे के लोग हो, कानून बनाने वाले हो, तुम तो गलियों नलियों में पड़े हुए कमीशन इकट्ठे कर रहे हो। और लानत है उस नुमाइंदे पर जो सिर्फ अपनी जात के लिए, अपनी जात के लिए, कमीशन के लिए ये सारा कुछ करे और आवाम को भूल जाए जिनकी वोटों से वो युवा में पहुंचा है। तो ये दोनों लॉ, ये खसूसन 239(4) की जो बात असेंबली में उठाई गई है कि 20वीं अमेंडमेंट इसको इसमें की जाए, इसमें क्या हरज है? अगर इसमें अमेंडमेंट हो जाती है तो तुम्हारी सूबे की नुमाइंदगी, चारों सूबा की सूबे की सूबों की नुमाइंदगी सेनेट में मौजूद जो है वह फैसला हो जाएगा। लेकिन तुम कहते हो कमीशन बनाओ, हमीद और रहमान कमीशन से आज तक सैकड़ों कमीशन बने हैं। इधर जो हमारे शहीद आदमी हुए थे 10 अप्रैल 2010 को जो शहीद हुए थे उनका भी एक जुडिशियल कमीशन बनाया गया था, इन बनों ने वो कमीशन बनाया और वो कमीशन लिखता है अवाम ने अवाम को मारा है। बोलो, और ये नुमाइंदे भी कहते हैं, वो कहते हैं अवाम ने अवाम को मारा है, और ये कहते हैं कि सियासी मकासद के लिए उनको मरवाया गया है। ये है तुम्हारे नुमाइंदे जिनको तुम 6 सालों से वोटें देते आ रहे हो, 6 दफा से। और ये है नवाज शरीफ जिसको 2 दफा हजारे से तुमने कामयाब कराया, ये है वो पार्टी। झूठ क्यों बोलते हो? अगर तुम मर्द हो, हजारे की मिट्टी से तुम्हारा ताल्लुक है, इसकी नमक हलाली करना चाहते हो, इससे नमक हरामी नहीं करना चाहते हो, तो खड़े होकर कहो कि सुबह हजारा के बगैर हम कोई बात नहीं मानते। कमीशन बनाओ, कानून, तुम कानून बाकी बाबा नहीं करते हो। कानून ये कहता है कि किसी पार्लियामेंटेरियन के पास, किसी पार्लियामेंटेरियन के पास ये गलियों नलियों वाले रुपए नहीं होने चाहिए। अगर तुम मरते हो इसके लिए, सूअर खाने के लिए मरते हो, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी हालात क्या है। इसका पता तुम्हें चलेगा जब इलेक्शन आएगा और तुम लोगों के अंदर मौजूद होगे, तब तुम्हें पता चलेगा। इसलिए उससे पहले कि सब कुछ जाया हो जाए और हजारा डूब जाए, अब भी तुम्हारे पास टाइम है, अब भी, और राजशुमारी करके सूबे के हक में, सूबा हजारा के हक में वोट दो। ये कहना कि सराइकी तो ठीक है, हजारा ठीक नहीं है, हम उन लोगों से कहना चाहते हैं कि क्यों फसाद फैला रहे हो? ये वो तुम वही लोग हो जो मशरिकी पाकिस्तान को तुमने आजादा किया, अब इस साजिश के तहत तुम इस सनाद को भी अलहदा करना चाहते हो। ये किसी की मलकियत नहीं है, ये डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, जमहूरियत की, जमहूर की आवाज सुनी जानी चाहिए। जहाँ जमहूर की आवाज नहीं सुनी जाती है वहाँ अनार्की पैदा हो जाती है। अगर आप जमहूर की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, तो एक आदमी भेज के सारे हजारे में रिफरेंडम कर